नगर पालिका दे रहा है बीमारियों को दावत, गंदगी से भरे नाले से उठ रही है दुर्गंध, जिम्मेदार बेखबर। जहां एक ओर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा स्वच्छ मिशन के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो वहीं इसके उलट गुड़सराय नगर पालिका की वजह से कस्बे में स्वच्छता मिशन हवा हवाई साबित हो रहा है। स्वच्छता अभियान केंद्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन कस्बा नगर प्रशासन सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। क्षेत्र में कई जगह बेहद गंदगी एवं कचरे से भरी नालियों से भयंकर दुर्गंध उठ रही है, जिससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका बढ़ गई है। गंदगी एवं कूड़े से भचभचाती नालियां मच्छरों के प्रजनन में सहायक साबित हो रही हैं। नगर पालिका में सफाई की स्थिति बदतर हो गई है, जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देते। नालियों से उठ रही दुर्गंध से जीना दुश्वार है, फिर भी जिम्मेदार लोगों की लचर शैली की वजह से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेम नारायण, क्या समस्या है? समस्या की है नाली की, रोडो नाली की समस्या, रोडो नाली की है। नाली मतलब नाली में गंदगी रहती है, नाली में सफाई नहीं होती है, बनी हुई नहीं, टूटी हुई है, जैसे टूटी फूटी है नाली। आपने नगर पालिका में शिकायत नहीं की इसकी? क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपकी? नाली की समस्या होगा। नाली मतलब गंदगी रहती है, सफाई करने के लिए रख के पूरी भरी रख पूरी दिन भर। नगर पालिका से कोई नहीं आता सफाई करने के लिए? और सफाई करने के सुनत को झाड़ू फिर फटक पूरे मैंने देखा, नाली टूटी फूटी है, रोड भी खराब है, रोड ऊँचो कर दो, ऐसे कौन ऊँचो है, ऊँचा कौन नीचो है, ऊँचो है कहाँ से मुझे समझ। लाइट के भी खम्भा नहीं आए थे। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 15। मोहल्ले के निवासियों ने मोहल्ले की सड़क और नालियां बनाए जाने को लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वार्ड नंबर 15 में नालियां टूटी हुई हैं। मोहल्ले वासियों ने कहा कि हम लोगों की कोई नहीं सुन रहा है और नगर पालिका अधिकारी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, उल्टे हावी हो जाते हैं। इस दौरान धर्मेंद्र सोनी बिल्ले, पिटारे सोनी, मयंक शर्मा, जीतू सोनी, राजीव आदि मौजूद रहे। गुड़सराय से हरिश्चंद्र नायक की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।